साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तरफ से जो है आपका एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है जारी किया गया है, जो कि मिनी रत्ना आपका है। और यहां पे जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 18 सीट है। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हो, और एज है आपका 24 सितंबर तक जो है 30 साल आपका हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बॉर्न अर्ली देन 1993, मतलब 30 साल एज तक ही जो है आप कर सकते हो, और 2005 के बाद वाला आप नहीं कर सकते हो। मतलब 1993 से 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सेम एज क्रिटेरिया दिया गया है, इसमें 5 सीट है। अकाउंटेंट के लिए 24, सुपरिटेंडेंट के लिए आपका 11, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 81 सीटें आपका दिया गया है। उसके बाद स्पेशल ड्राइव में यहाँ पे जो है सुपरिटेंडेंट जनरल SRDE का जो है 2 सीट दिया गया है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 10, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट UT का जो है आपका 2 सीटें दिया गया है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो एज़ पर गवर्नमेंट्स है वो आपको जो है दिए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। और यहाँ पे जो है आपको यूटी में जो है लद्दाख वगैरह आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे बात किया जाए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है 10% सीटें जो है आपका रिजर्व किया गया है, जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अनुसार ये यहाँ पे जो है बताया गया है। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर 18 साल नहीं है तो आप इस फॉर्म को जो है नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए फॉर्म भरने का डेट को लेकर, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 26 अगस्त यानी आज से आपका जो है 24 सितंबर तक जो है होगा, और पेमेंट जो है ऑनलाइन आपको करना है 24 सितंबर तक। एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में भी कोई भी अपडेट जो है नहीं दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में कोई भी अभी खासा अपडेट नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। हमेशा इस लिंक पे ही जो है आपको सारी अपडेट जो है मिलेगी। ओके, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया तो मैंने बता ही दिया। नेशनलिटी आप इंडिया के होने चाहिए। उसके बाद बात किया जाए आगे, तो एज रिलैक्सेशन तो मैंने बताया है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेंगे एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स हैं। बात किया जाए ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात किया जाए तो 145 क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का जो है 25 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड का 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन, और जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी आप अगर सिविल ब्रांच के हैं तो 55 क्वेश्चन, सिविल से इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पे रहेगा। टोटल टाइमिंग अगर बात किया जाए तो टोटल 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा यानी 2.5 घंटा आपको जो है टाइम दिया जाएगा। 200 नंबर का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स, यहाँ पे जो है आपका जो ब्रांच पेपर है वो 2 मार्क्स का है, बाकी उसके ऊपर का जितना भी सेक्शन है जो नॉन टेक्निकल है वो आपका सेम है, एक एक नंबर का आपका रहने वाला है। यहाँ पे बात किया जाए अकाउंटेंट के लिए तो रीजनिंग कंप्यूटर, प्रोफेशनल नॉलेज देखो यहाँ पे 4 पॉइंट सेम है, बस खाली प्रोफेशनल और अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का आपका होगा। अगर सुपरिटेंडेंट है तो सारा जनरल पेपर आपका यहाँ पे जो है लिया जाएगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, 2.5 घंटा इसमें दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो टेक्निकल असिस्टेंट है जो जिस डिग्री पे आप अप्लाई करेंगे उस डिग्री के लिए आपका है। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो,
कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ये आपका पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। निगेटिव बात किया जाए तो 1/4 आपका जो है निगेटिव यहाँ पे जो है रहने वाला है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो सभी एग्ज़ाम के जैसा ही इसका भी है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो तब। फॉर्म भरने के लिए अगर बात किया जाए चार्जेस की, तो अप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए जो है आपका 850 रुपया और इंटीमेशन चार्ज जो है आपका 400 यानी 1250 रुपया लगेगा जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन और वोमेन कैंडिडेट के लिए जो है आपका 400 रुपया यहाँ पर जो है लगने वाला है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो PDF है वो हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से इसे जो है प्राप्त करके डायरेक्टली लिंक पे जो है जा सकते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपका रह सकता है। अंडमान निकोबार, बिहार में दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और आरा में जो है आपका यहाँ पे सेंटर रहेगा। तो ये सेंटर के बारे में भी आपको जो है मैंने बता दिया। बाकी कोई और डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।